नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। संसदीय दल के नेता चुने गए मोदी, रविवार को तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। दिल्ली के छात्र की हिमाचल में गई जान, नहाते वक्त सिर पर लगा पत्थर। बाल सुधार गृह में बच्चों से मारपीट करने वाला आरोपी अधीक्षक बर्खास्त। प्रतापनगर में महिला ने निगला जहरीला पदार्थ, अस्पताल में मौत। इंतजार खत्म, इस महीने होगी शिक्षकों के बंपर पदों पर भर्ती, माह अंत तक मिलेंगे नियुक्ति पत्र। असिस्टेंट आर्किटेक्ट के पद को भरने के लिए हिमाचल लोक सेवा आयोग लेगा ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। सिरमौर में तीन तेंदुओं की चहलकदमी से सहमे लोग, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। हिमाचल में तीन दिन तक हल्की बारिश की संभावना, अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। चुनावी नतीजों में एनडीए को बहुमत मिला और अब नरेंद्र मोदी केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया, जहां उन्हें सर्वसम्मति से एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। बता दें कि आज नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष सरकार बनने का दावा पेश करने के बाद रविवार को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। संसद भवन की पुरानी इमारत में स्थित संविधान कक्ष में एनडीए की बैठक की औपचारिक शुरुआत होने के बाद वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी सहयोगी दलों ने हामी भरी, जिसके बाद ध्वनि मत से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना गया। सोलन के रेवा वाटरफॉल में दिल्ली से घूमने आए एक युवक की सिर पर पत्थर लगने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान 19 वर्षीय अक्षत देव पुत्र अलोक कुमार मीणा निवासी गांधीनगर जिला जयपुर राजस्थान के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 13 छात्रों का एक समूह घूमने के लिए हेरिटेज पार्क अश्विनी खड्ड और रेवा वाटरफॉल आया था। शाम 4 से 5 बजे के करीब जब सभी छात्र रेवा वाटरफॉल में नहाने की तैयारी कर रहे थे, तो उस वक्त एक पत्थर पहाड़ी से गिरकर नीचे खड़े अक्षत के सिर पर आ लगा। सिर पर चोट लगने से अक्षत बेहोश होकर गिर पड़ा। सभी छात्र उसे उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शिमला के हीरानगर में स्थित बाल सुधार गृह के अधीक्षक कौशल गुलेरिया को आवासीय बच्चों की पिटाई एवं अन्य दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने बाल सुधार गृह में बच्चों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था, जिसे आपराधिक जनहित याचिका मानकर अदालत ने 17 मई को सरकार को नोटिस जारी किए थे। सोलन के जुनेनाइल जस्टिस बोर्ड में कुछ बच्चों ने अधीक्षक एवं अन्य स्टाफ के खिलाफ मारपीट की शिकायत भी दर्ज कराई थी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। थाना अंब के तहत प्रतापनगर में 32 वर्षीय महिला की जहरीला पदार्थ निकलने से मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान ज्योति वाला पत्नी अमरीक सिंह निवासी प्रतापनगर अंब के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वहीं आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक प्रतापनगर की ज्योति वाला ने गुरुवार रात्रि को घर में कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ती देख परिजन ज्योति वाला को सिविल अस्पताल अंब लेकर पहुंचे, जहां पर उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। डीएसपी अंब वसुधा सूद ने बताया कि पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। चुनावी नतीजों के सामने आते ही आचार संहिता हट चुकी है और हिमाचल प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई है। ऐसे में प्रदेश के बेरोजगारों को यह खबर राहत दे सकती है। दरअसल हिमाचल में जल्द ही शिक्षकों की बंपर पदों पर भर्ती होने वाली है। इस माह में ही इन पदों पर भर्तियां होने वाली हैं और नियुक्ति पत्र भी इसी माह चयनित उम्मीदवारों को दे दिए जाएंगे।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इस माह 2123 शिक्षकों की भर्ती होगी। जेबीटी के 1100 और टीजीटी के 1023 शिक्षकों की बैचवाइज आधार पर भर्तियां होनी है। यह भी कहा जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अधिकारियों को बैठक के दौरान इस मामले में तेजी से काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लोक निर्माण विभाग में असिस्टेंट आर्किटेक्ट के पद को भरने के लिए ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करने का निर्णय लिया है। 24 जून को पहला पेपर सुबह 11 बजे से 12 बजे तक आयोजित होगा, जबकि पेपर 2 दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की अतिरिक्त सचिव सुषमा वत्स ने बताया कि पात्र उम्मीदवारों के ई एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। उन्होंने यह कहा कि इससे संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए कार्य दिवस पर आयोग के कार्यालय में उम्मीदवार संपर्क कर सकते हैं। सिरमौर जिला में एक नहीं बल्कि एक साथ 2 से 3 तेंदुए मुख्य सड़क मार्ग पर चहलकदमी करते हुए मोबाइल के कैमरे में कैद हुए हैं। हालांकि इन तेंदुओं को कैमरे में कैद करने वाला शख्स मौके पर 3 तेंदुए होने की बात कर रहा है, लेकिन कैमरे में 2 तेंदुए जरूर सड़क पर चहलकदमी करते हुए देखे जा सकते हैं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो हरिपुरधार सड़क मार्ग पर रेणुका जी से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर धनोई पुल के समीप का है। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 3 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना है, साथ ही अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 10 जून से 13 जून तक राज्य के सभी भागों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। धूप खिलने से तापमान और चढ़ने के आसार हैं। राज्य में 15 जून से बाद प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू होने का पूर्वानुमान है। आज शिमला सहित कई जगह हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली है। प्रदेश में 1 से 6 जून के दौरान सामान्य से 45% अधिक बारिश दर्ज हुई। इस अवधि में 10.8 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।